नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश कांग्रेस के सहप्रभारी सुधांशु त्रिपाठी पहुंचे गुना। नगरीय निकाय चुनाव के गुना जिला प्रभारी है सुधांशु त्रिपाठी। नगरीय निकाय प्रभारी बनने के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं से मिलने आए गुना। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ किया छल, सुधांशु त्रिपाठी। जी हां, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी ने गुना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं से आज राजीव गांधी भवन में मुलाकात की। सुधांशु त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के साथ छल करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, 13 जनवरी को गुना में एक विशाल किसान आंदोलन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर श्री त्रिपाठी ने आज कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, जिला महामंत्री राजेंद्र तिवारी, कांग्रेस नेता रजनी शर्मा सहित काफी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुना से इंडिया खबर लाइव के लिए जिला ब्यूरो चीफ राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। ये लगता है कि कांग्रेस की सीट आ पाएगी? कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी आगामी नगर पालिका स्थानीय निकाय चुनाव में। कांग्रेस गुना में बहुत अच्छा करने जा रही है। गुना के हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें इन चुनाव को लेकर बहुत उत्साह है। अभी आप ये देखिएगा कि किसान आंदोलन में गुना इतिहास बनाने जा रहा है। भारी संख्या में पार्टिसिपेट करेंगे कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और किसान। और उसके बाद जो चुनाव होने जा रहा है, आज शिवराज सरकार ने इस चुनाव को पीछे धकेला क्यों है, इसीलिए तो धकेला ना, किसानों के आंदोलन से डर गई है, कांग्रेस से डर गई है मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार। अभी तो जनवरी में चुनाव होना थे, अब मार्च में पहुँचा दिए, भाई क्यों? कांग्रेस इतिहास बनाने जा रही है मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय नगर पालिका में। जैसा भी आपने बोला है कि जो कमलनाथ जी ने जो डिसीजन लिया है कि एक ही जो मतलब सक्रिय कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का, उसी को नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव टिकट मिलेगा, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, हमने हमारे यहाँ जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे अध्यक्ष होंगे, हमारे सम्मानित जो चुनाव लड़े प्रत्याशी होंगे, उसमें से जो जीत गए हैं वो MLA होंगे और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होंगे। ये पूरे प्रदेश में एक समान फैसला किया गया है और इन सबसे अनुरोध किया गया है कि आप लोकल बॉडीज का जहां भी चुनाव है अध्यक्ष पे संभावित कोशिश करिएगा, एक व्यक्ति का पैनल दीजिएगा। तो अब आने वाले भविष्य में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी नगर पालिका चुनाव को लेके? नहीं, कांग्रेस की रणनीति चुनाव को लेके हमारी तैयारियाँ बहुत जोरों पर हैं और हम तो आज जनवरी के महीने में चुनाव लड़ने को तैयार थे। ये तो शिवराज जी भाग गए चुनाव से, क्योंकि अभी तो वो EVM के दम पे चुनाव लड़ रहे थे, अब बैलेट पे बैलेट से होना था चुनाव, भाग गए। ग्वालियर चंबल में लहराएगा पंजा? सब जगह पंजा लहराएगा।